देखिए, 1 अक्टूबर 2024 को तीसरे चरण में ज़िला उधमपुर में 4 असेंबली सीट्स के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव को सक्सेसफुल, पीसफुल और फेयर एंड फ्री बनाने के लिए ज़िला पुलिस उधमपुर ने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान को जो है इलाके पर इम्प्लीमेंट किया है। इस प्लान के तहत हमने तकरीबन 90 CAPF की कॉइज डिप्लॉय की है और 11 स्टेट आर्म पुलिस की कंपनियां भी जो डिप्लॉय हुई है पूरे ज़िले में। साथ ही साथ 1,500 से ज़्यादा J&K पुलिस के जवान और एहलकार जो है पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। 654 पोलिंग बूथ्स पर हमने CAPF को डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को जो है 40 जोन्स और 95 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। इन सब जोन्स और सेक्टर्स की कयादत जो है सीनियर SP रैंक, DSP रैंक और इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स कर रहे हैं। इनके साथ साथ इनको सपोर्ट करने के लिए हमने CAPF और SOG की QRTs गठित की है। जो क्रिटिकल एरियाज है हमारे, वहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि नाकेबंदी चल रही है, चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है। अब तक बड़ी मात्रा में जो है अवैध शराब का जो है हमने सीजर किया है। साथ ही साथ नशे के पदार्थ, करोड़ों रुपए की मालियत के जो है नशे के पदार्थ अब तक हमने सीज किए हैं। कैश भी हमने इस दौरान जो है सीज किया है। हमारा मकसद यह है कि इस इलेक्शन को इंड्यूसमेंट फ्री, फेयर फ्री बनाया जाए और एक फ्री एंड फेयर माहौल जो है हम गठित कर पाए, ताकि लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस जमहूरियत के त्यौहार में पार्टेक कर सकें।